रात को सोया तो सवेरे उठा कुछ दिखाई दिखाई। बाद में हॉस्पिटल में गए है ना, और मेरे पापा 2011 में गुजर गए थे, तो लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी। तो चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा आदमी ऐसे हो जाता है, उसको नहीं पता लगता, फिर भी मेरी मम्मा मेरे साथ जा गए हैं। पीजीआई में 2-3 महीने हम लगातार गए हैं, तो अकेले गए हैं ना, मेरे पापा नहीं थे, तो वहाँ से जवाब हो गया। फिर और भी कई हॉस्पिटलों में गए हैं, मैं मेरी मम्मा गए थे, तो वो जवाब भी दे देते हैं नहीं होगा। ब्लाइंडनेस को मतलब मानता ही नहीं हूँ मैं, अपनी कमजोरी नहीं मानता इसको, मैं अपनी पावर मानता हूँ इसको। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरी आंखें नहीं हैं, पर मैं हारूंगा नहीं। ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੜਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸੀ ਗਮ ਬੇਬੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਡੰਮ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਚ ਦਮ ਤੇ ਗਿਤਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜਣਾ ਨਵੀਂ ਆਉਣੀ ਵਾਈਬ ਹੁਣ ਸਿਰਜਣਾ ਯਾਰ ਰਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨ ਪਾੜਤਾ ਬੜੇ ਸੀਨੇ ਚ ਅੰਗ ਗਮ ਸਾੜਤਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਮਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਤੂੰ ਰੋਕ ਪਰ ਆਖਦੀ ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੜਾਈ ਬਸ ਠੋਕ ਤੂੰ ਠੋਕ ਹੋਈ ਆ ਗਲਤੀ ਜੋ ਕੱਲ ਚ ਗਲਦੀ ਤਾਈਓ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਜਗਾ ਤੇ ਯੂਵੀ ਅਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਜਗਾ ਤੇ ਯੂਵੀ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਹੰਝੂ ਮਤ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਬਣੇ ਖਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥ ਰੂ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਚੋਮਾ ਬਸ 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 ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਐਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੱਸ 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 ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਪਾ ਚ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਿਪ ਹੋਪ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣ ਮੱਚਣੀਓ ਚੜਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਖਲੋ ਤੁਰਿਆ ਸਲੋ ਗਲੋ ਫੇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਹਿੱਕ ਚ ਫਲੋ ਟੂ ਡੋਰ ਗੱਡੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗਾਸਾ ਸੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਜੰਨਤ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ ਬੰਨਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਵਾ ਨਿਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਇਆ ਦੀਵਾ ਮਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਮਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ ਨਵੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਂਪੂਰਾ ਨੋਟ ਨੋਟ ਜੇਬਾਂ ਜੀ ਫੋਲਣਾ ਦਿਲ ਚ ਖੋਟਣਾ ਛੋਟ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਔਰ ਹੋਟ ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਰੀ ਹੈ ਰੱਬਾਂ ਦੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਯੂਵੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੱਸਾਂਗੇ 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 ਆ ਦੱਸਾਂਗੇ 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 '99 में मेरा बोर्न है, और 2009 में मैं मतलब 2009 च मैं ब्लाइंड हो गया था, तो कुदरत रू एकदम ही हो एकदम से हो गया। कोई कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ सर। हाँ, रात को सोया तो सुबह उठा कुछ दिखाई नहीं। तो क्या उसके बाद का स्ट्रगल किस तरीके से जिंदगी बदल गई? स्ट्रगल सर बाद में हॉस्पिटल में गए है ना, और मेरे पापा 2011 में गुजर गए थे, तो लाइफ बहुत हार्ड हो गई थी, तो बहुत मुश्किल रही है। मेरी मम्मा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो चंडीगढ़ में पढ़ा लिखा आदमी ऐसे हो जाता है, उसको नहीं पता लगता, फिर भी मेरी मम्मा मेरे साथ जा गए हैं। पीजीआई में 2-3 महीने हम लगातार गए हैं, तो अकेले गए हैं ना, मेरे पापा थे नहीं थे, तो वहाँ से जवाब हो गया। फिर और भी कई हॉस्पिटलों में गए हैं, मैं और मेरी मम्मा गए थे, तो वो जवाब भी दे देते हैं नहीं होगा। पर मेरे पढ़ाई वगैरह कहाँ पर की, कैसे पढ़ाई की, पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताइए। पढ़ाई फिर सर मैंने एक नाम 2014 में मैंने तबला सीखना शुरू किया था तरावड़ी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि स्पेशल स्कूल होते हैं ब्लाइंड, तो हम वहाँ चले गए, यतीम खाना है ऑफनेज, तो वहाँ चले गए, वहाँ ब्लाइंड स्कूल है और अनाथ आश्रम भी है, वहाँ जाके मैंने पढ़ाई शुरू की। वहाँ कीर्तन गुरबाणी सिखलाई देते थे, गुरबाणी मैंने कंठ की हुई है, और केन भी सिखाते थे, और साथ में पढ़ाई होती थी ब्रेल लिपि, और वहाँ 3 साल रह के मैंने सीखा। जैसे मेरा पैशन होता है ना कि ना, मैं लिखने का गाने का पैशन था मेरा है ना, वो ऐसा होता है कि उन्होंने वहाँ 40-50 ब्लाइंड है ना, सारों का पैशन एक जैसा नहीं होता है, हर एक का अलग अलग होता है, तो कोई टीचर बनना चाहता था, कोई रागी बनना चाहता था, तो कोई मेरे जैसा राइटर था, सिंगिंग लाइन में आना चाहता था, तो मेरा भी ऐसा ही था, मैं सिंगर रैपर बनना चाहता था। तो कब से लिखना शुरू किया, कब से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गाना शुरू किया, और कब से फेवरेट कौन था, किसको आप अपना आइडियल मानते हैं या मानते थे?
सर मैंने एक नाम है पहले 2014 में लिखना शुरू किया था, पर तभी लिखा नहीं था, लिखना शुरू किया था पर फिर मैं अब मतलब अपना स्कूल में चला गया तो फिर वहाँ नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने यहाँ प्लस वन प्लस टू की, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया धीरे धीरे। मतलब पहले मैंने रैप का ऐसा होता है कि नाम है अपने लाइफ के बारे में, अपने जो हो रहा है एरिया में वो बताना होता है ना, तो मैंने अमेरिका या कि नाम है इधर की मुंबई की स्लैंग्स पढ़ी, कैसे करते हैं रैप को, कैसे गाते हैं ना, अपना फ्लो बनाया कैसे करते हैं ना। तो कलम तो ऐसी होगी कि एक भगवान की दात दी हुई है ना, मैं उनका बहुत बारी हूँ, मतलब भगवान ने मुझे इतना अच्छा दिया। मैं अपनी ब्लाइंडनेस को मतलब मानता ही नहीं हूँ, मैं अपनी कमजोरी नहीं मानता इसको, मैं अपनी पावर मानता हूँ इसको। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरी आँखें नहीं है पर मैं हारूंगा नहीं। मैंने जिंदगी में यही सीखा कि मैंने हारना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। किसको आइडल मानते हैं? मैं मतलब कई सिंगर है मेरे आइडल हैं, पहले मतलब बब्बू मान जी थे वो मेरे आइडल हैं, मतलब बाद में सिद्धू मूसे वाले आए उसको वो भी आइडल हैं, मैंने पुराने सिंगरों को भी सुना है, और अभी नवान संधु हैं, रैपर में मेरा बोहिमी है, नसीब है, और मैं रफ्तार को सुनता हूँ, राजा कुमारी जैसे, टू पाक हो गया। सपना क्या है आपका? मेरा सपना सर रैपर ही बनना जी। हाँ जी, मैंने पंजाब इंडस्ट्री अभी हिप हॉप में थोड़ी नीचे है, उसको ऊपर लेके जाना है। क्या एक कौन सा सिंगर है जिससे आप मिलना चाहते हैं, कौन सा रैपर है, एक रैपर जिसे आप कहें कि मेरी जिंदगी पूरी सफल हो जाएगी अगर मेरी इससे मुलाकात हो? मैं राजा कुमारी से मिलना चाहता हूँ, यूएसए की रैपर है, उनसे मिलना चाहता हूँ। शाम को अपना कंची खेडन लगा, कंचा मिलिया नहीं ना, फिर कोई कहन लगा वैसे तू दिखदा नहीं है, ये नहीं दिखदा है ना, फिर अपने आप ही बता दसन लग गया, कहंदा भाई ये ना नहीं दिखदा, बच्चा ही छोटा सी, फिर पापा भी रोने लग गए, भी रोने लगे, जो पापा ही दे आ गए, फिर उसकी डेथ हो गई, बस बहुत मुश्किल पा लिया इसको। कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ कहाँ आपने दर दर की ठोकरें खाई सतनाम को ठीक करवाने के लिए? चंडीगढ़, सिरसा, दिल्ली, पंजाब, सारे मतलब बहुत जगह लगे, करनाल भी नहीं छड़िया, पेवे बहुत मुश्किल, अस्पताल च धक्की खाधी बहुत ऐसी। लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया इस तरीके से, रैप गाना शुरू किया, आपको लगा कि आपका बेटा अपनी कर रहा है? हाँ जी, कर अपने कर ही है, जो अगे बंदा चाहना है बने ही है, मैं पीछे नहीं हटांगे अपने बेटे के पीछे, भाई अपना काम करे बस। अच्छा लगता है? अच्छा लगता मेरे। कितनी मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल टाइम पास करते। तो क्या पेंशन वगैरह आती है? पेंशन लगी है ये बस, बेटे की भी, मेरी भी, दोनों को लगी है ये। तो खेती बाड़ी वगैरह कुछ? कुछ भी, डेढ़ किल्ला जमीन है, ऐसी ही बस, उसका क्या बनता, कुछ भी नहीं बनता है, साल का ठेका आता वैसे ही चले जाता बस, अपनी बीमारियां सो मेरे भी दर्द दवाई चलती बुआ रहते हैं। कहीं इलाज वगैरह के लिए अभी कहीं और गए, किसी से मिले आप, प्रशासन वगैरह? नहीं नहीं, उन्हें मिले गए, पहले मिलते रहे, उन्हें मिले किसे कोई, बस बच्चे लेके परेशानी रही सानू, तो बस कदे पापा चले गए थे। मैं भाजी 24 घंटे नाल हुन्ना ज्यादातर मोस्टली, या कदे मेरी शॉप हैगी तरावड़ी पीवीसी इंटरी डेकोरेट दी, सो परेशानी बहुत होंगी है ना, अगर ब्लाइंड होने करके एक बंदे नूं दिखदा होवे ते बंदा तुर लैंदा सही तरह, हना मुड़ के जे ना दिखदा होवे ते उठना भी बहना भी सो प्रॉब्लम्स होंगे हैं। सो मुड़ के कुछ घर दे हालात इन्हां दे इदां दे आ भई नहीं इन कहिंदे इन्ना ज़्यादा है ना, कुछ आपां वी देखदे आ भई हाँ चलो सिंगिंग करदे हाँ, एक आ जांदा ना भी हाँ आपां सिंगिंग करदे हाँ, या कुछ कम करदा होए बंदा तां फिर तां चलो इनकम आ जांदी है ना, उदां इनकम सोर्स नहीं हैगी। असी सोचिए भी हाँ असी लिख रहे हैं है ना, या गा रहे हैं घरे हैं हाले, जब असी स्टूडियो जाना है ना, उस स्टूडियो वाले ने भी चार्ज करने हैं पैसे अपने है ना, कोई मैक्सीम 50,000 तो कुछ लेंदा ही लेंदा, इदू घट चार्ज नहीं करता, तो ना कुछ इतने किधर बाँह फटता, जेडे मोस्टली बने हुए सिंगर गिप्पी गरेवाल हो गया है ना, कहते मिलने का प्रयास किया, किता दो तीन बारी मेल्स वगैरह कीतियां ना, नहीं अगो मुड़ के रिप्लाई दिंदा कोई, क्योंकि बिकॉज उन्होंने टाइम ही नहीं होंदा इन्ना कि इन कहते ने अही देखी है ना किसी दी मेल, भाई भाई लिखदा वधिया गाउंदा भी वधिया है ना, सो मैं तो कहना चाहना भाई अगे आना चाहिए, थोड़ा टाइम भावें लग जाए पर अगे आना चाहिए।